कहाँ देखा था उसे? अच्छा, फनीली इनफ मैंने उसको तीन मुख्तलिफ जगहों पर देखा और मुझे तीनों जगह पे लगा कि कोई तीन अलग लड़कियां. बिकॉज ही वॉज डिफरेंट लुकिंग, डिफरेंट एग्जैक्टली बाल और डिफरेंट. एग्जैक्टली अच्छा एग्जैक्टली. एंड देन आई फाइनली मेट एट अ वेडिंग एंड वी डिडंट गेट इन टच. हम लोगों ने नंबर्स नहीं एक्सचेंज किए, बस देखा एक दूसरे को. फिर एक बर्थडे पे देखा, फिर दोस्तों के थ्रू जो है प्रॉब्ली हमारी जो है वो बातचीत शुरू हुई. किसने प्रपोज किया था? प्रपोज मैंने ही किया था. कैसे हिम्मत आई? कभी इतना था नहीं कि शादी पे. इट वॉज द लास्ट थिंग ऑन द माइंड एट दैट पॉइंट इन टाइम. व्हाट 29 30 इट वॉज द लास्ट थिंग और आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट. मैंने सोचा कि मैंने जब उसको वी डेटेड फॉर अबाउट गुड 7 ईयर्स. You dated each other for 7 years. किसी को इस बात का नहीं पता था, किसी को इस बात का नहीं होता था. नॉट इवन द इंडस्ट्री, नॉट माई पेरेंट्स, नॉट नन ऑफ तो माई कैसे फैमिली. मिलते थे, कहाँ मिलते थे? टाइमिंग्स फिक्स करनी पड़ती थी और और इतना बिजी शेड्यूल. एग्जैक्टली. और कभी एक बार एक दिन में तीन तीन दफा भी मिलते थे. और बात क्या होती थी? बात यही होती थी कि शादी की बात नहीं होती बस थी. बस एक दूसरे को देखने की एक्साइटमेंट होती थी ना, वो एक फर्क लेवल पे होती और थी. बस देख लिया. देख लिया, बात की, आर यू ओके, आर यू कंफर्टेबल इनफ इन योर लाइफ, इतना कोई मसला तो नहीं है, इतना नहीं है, चलो ठीक है, लेट्स डू दिस. अच्छा कल मिलते हैं, हम कहीं थोड़ा कल. या चंद नहीं घंटों नहीं बाद नहीं इतनी जल्दी क्यों मिलते छोड़ा, इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ा. ना 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 ना, ऐसे थोड़ी. मैं बाहर नहीं जा सकता था बिकॉज रेस्टोरेंट्स में मैं नहीं जा पाता क्योंकि पहचाने जाओगे. था. नहीं, मुझे मसला नहीं हाँ, था, फेमस बट मैं होने का चाहता था सबसे कि बड़ा ये वो जो है था. वो, नॉर्मल चीजें नहीं आप कर हाँ सकते, वो जो है डेट वो पे नहीं जा एग्जैक्टली. सकते, पब्लिक प्लेसेस मुझे था पे. कि चलो मेरे लिए तो इट्स ओके, बट उसके साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए, उसका नाम कहीं नहीं आना चाहिए अनलेस एंड अंटिल वी आर टुगेदर ऑफिशियली. सो आई सेव्ड माई रिलेशनशिप फॉर अबाउट गुड 6 7 ईयर्स एंड लोगों से बचा के रखा और ये वो. और जो भी खाना होता था वो गाड़ी में फिर हम लोग खाते थे या नहीं खाते थे कभी बार. सो इट वाज अ वंडरफुल टाइम. तो फिर फैमिली ने दोनों बताया कि मुझे अब इससे शादी करनी है. सही था? दोनों 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 पेरेंट्स, दोनों साइड के पेरेंट्स खुश थे या डिफिकल्टी थी? बेसिकली आई थिंक उससे पहले 6 7 साल से जब मैं उसको डेट कर रहा था, उससे पहले मैंने एक वालदैन को इंसिस्ट करने की कोशिश की थी. मैंने उन्होंने कहा था कि आई वांट टू गेट मैरिड टू दिस गर्ल फ्रॉम माय कॉलेज एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई वाज व्हाट 23 और 24. नो, आपको नया नया आपको मोहब्बत होती है और आप फिर पागल होते हैं और आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, सही है. माँ मुझे कहती है कि बेटे आपसे तीन बड़े भाई अभी घर पे मौजूद हैं, उनमें से मैंने किसी की शादी नहीं की. और आप ये बताएं, आप 23 साल के हैं, आप कमाते क्या हैं, आप खिलाएंगे कहाँ से उसको. सो आई वॉज बींग इमोशनल. आई वॉज लाइक अम्मी नहीं, मतलब सिर्फ ये रीज़न नहीं हो सकती कि आप कहें कि वो तुमसे बड़ी है. थी बड़ी. मैंने कहा ये क्या क्राइटेरिया हुआ. एनीवेज मैंने 2 3 दिन खाना नहीं खाया. आ गई अम्मा, उन्होंने कहा, रोती भी आई मेरे पास, खाना तो खा लो. माँ से ये नहीं देखा जाता ना कि बच्चा भूखा रहे. वो मेरे से भी फिर नहीं देखा गया, वो मेरे से भी नहीं देखा गया कि वो रो रही थी. रो रही है. हाँ ऐसा रोके. सो आई गेव अप ऑन क्रिकेट, आई गेव अप ऑन दैट गर्ल एंड Then I found someone new and I'm so happy that I found Sarah in my life बिकॉज and she's here. एक्चुअली सारा नहीं आना था. Basically, हाँ हाँ, हमें पता नहीं होता उस वक्त हम करेक्ट बड़ा रिएक्ट करेक्ट करते हैं. करेक्ट.
बट आपके लिए कुछ और होता है इससे या बेहतर. आई एम सो हैप्पी दैट शी इज इन माय लाइफ. या शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, सो जब अम्मी वंडरफुल. को बताया कि अब ये मुझे आ गई, अब फाइनली आ गई, अब ये तो मेरे मैंने इससे शादी करनी ही है. वाज आई मीन आई वाज व्हाट आई वाज 30 ना एट दैट पॉइंट हाँ टाइम. सो मुझे उनको भी, उन्होंने सब बेटों की शादियां कर दी हुई थी, उनका जो कंसर्न था वो ठीक था एट दैट पॉइंट टाइम. सो बस फिर मैंने उनको कहा तो कि रिश्ता लेकर यही गए. है. हाँ, रिश्ता हाँ लेके गए और फिर सब कुछ स्मूथली हो गया अलहमदुलिल्लाह. दैट्स वेरी फॉर्चुनेट. अदरवाइज दैट्स वेरी आर्टिस्ट को ये फॉर्चुनेट, बड़ी प्रॉब्लम दैट्स होती वेरी फॉर्चुनेट. है ना. आपका लड़का क्या करता है? हाँ नहीं जी, साडा मुंडा तो गंदा है. हाँ अच्छा चलो, मेरे से रिश्ता नहीं करना आज. है ना. नो नहीं, मीन मुझसे तो ये पूछा था और क्या करते हैं तो और क्या करते उस्मान. हैं? हाँ जी, अच्छा, मैं एक्ट्रेस हूँ. नहीं, नहीं 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 उस्मान माय को भी माय इन पूछा था. लॉज. अच्छा हाँ, अच्छा और क्या करते हैं. अच्छा नहीं, अच्छा मैं एक्टर हूँ. अच्छा नहीं, और क्या करते हैं. और भी कुछ करते हैं या नहीं?